रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तीसरी बार मुनाकिद असेंबली इंतखाबात में मुत्तहिदा वारंगल के 12 हलकों में गैर मुतवक्के नताइज दर्ज हुए हैं। मुत्तहिदा वारंगल जिले के 12 असेंबली हलकों में से 10 पर कांग्रेस पार्टी और सिर्फ 2 सीटों पर बीआरएस को कामयाबी मिली है। पालाकुर्ती से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी रेड्डी कामयाब हुए हैं। बीआरएस उम्मीदवार मिनिस्टर यर्रबाली दयाकर को उन्होंने शिकस्त दी। डोरनाकल असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र नायक ने बीआरएस उम्मीदवार रेड्डिया नायक को हराया है। महबूबाबाद हलके में कांग्रेस उम्मीदवार मुरली नायक ने शंकर नायक को शिकस्त दी। नरसमपेट असेंबली हलके में दंती माधव रेड्डी ने अपनी जीत दर्ज की है। बीआरएस उम्मीदवार पेद्दि सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। बर्दनापेट असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार नागराजो जीत गए हैं। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार आरूरी रमेश को हराया है। भूपालपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार गंडरा सत्यनारायण ने बीआरएस के गंडरा वेंकट रमना रेड्डी को शिकस्त दी। मुलुगु असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार सीतक्का ने बीआरएस उम्मीदवार बड़े ज्योति को शिकस्त दी। परकाल में कांग्रेस उम्मीदवार रेवूरी प्रकाश रेड्डी की जीत दर्ज हुई। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार तल्ला धर्मारेड्डी को हराया है। वरंगल ईस्ट में कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा सुरेखा को शानदार कामयाबी मिली। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार एर्रबल्ली प्रदीप राव को शिकस्त दी है। वरंगल वेस्ट में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार दास्यमिने भास्कर को शिकस्त दी है। बीआरएस पार्टी से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही इलेक्शन में कामयाब हुए। बीआरएस उम्मीदवार करियम श्रीहरि स्टेशन घनपुर से कामयाब हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सिंगापुरम इंदिरा को हराया है। जनगांव असेंबली हलके में बीआरएस उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के कोमूरी प्रताप रेड्डी को हराया है। हज और उमरे के लिए बड़ा ही बेहतर, बड़ा ही खूबसूरत अलहक टू ट्रेवल्स हज और उमरा के लिए आप लोग इनकी खिदमत ले सकते हैं। बेहतरीन खिदमत है कि आप लोग अलहक से जुड़िए, जो वारंगल में शाख है हैदराबाद के, इनसे आप राब्ता कीजिए।